हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर विन अनदर न्यू वीडियो। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एवे यूथ पील ऑफ मास्क के बारे में। सो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ये बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इजीली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। इसका प्राइस है 75 रुपीज़। इसको आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हो। मैंने इसको खुद ऑफलाइन परचेस किया है एक मेडिकल स्टोर से। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, नाइका से, पर्पल से, स्मिटन से, किसी भी ऐप से इसको परचेस कर सकते हो। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंग्रेडिएंट्स, मैं वो मेंशन कर देती हूँ। इसमें है वाटर अल्कोहल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, फ्रेग्रेंस ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, मिथाइल पैराबेन, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, कलर, लैक्टिक एसिड एंड प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 99% हार्मफुल केमिकल से भरे हुए हैं और अल्कोहल का मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। मिथाइल पैराबेन का भी यूज़ किया है जो हमारे स्किन में कैंसर का कारण बन सकता है। मैंने इसको 3 से 4 बार यूज़ किया है, मेरे स्किन में बहुत सारा वाओ डिफरेंस नहीं फील हुआ है। उल्टा इसको लगाने से मेरा यहाँ पे इरिटेशन फील होती है। मैंने इसको अपने फेस में एंड अपने मम्मी के फेस में भी अप्लाई करके देख लिया है। इसको लगाने से ना कोई डेड सेल रिमूव होता है, ना कोई ब्लैक हेड्स, ना कोई वाइट हेड्स रिमूव होता है, ना कोई फेशियल का हेयर रिमूव होता है। सो बहुत लोगों का कहना है इसको यूज़ करने से एक पार्टी ग्लो मिलती है, डेड सेल रिमूव होता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी रिमूव होती हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपके फेस का जो एक्सेस ऑयल है वो ये निकाल बाहर कर सकता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो ड्राई स्किन वाले हैं और सेंसिटिव स्किन वाले हैं उसके लिए तो ये प्रोडक्ट एकदम भी ठीक नहीं है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के जो फेस का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पहले से ड्राई होता है। इसको आप जब मतलब पील करोगे आपकी स्किन इमीडिएटली ड्राई फील होगा, जैसे मेरा होता है। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये एकदम भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो इरिटेशन फील होता है उससे मुझे लगता है कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सेम फील होगा। इसलिए मैं इसको तो सेकंड टाइम परचेज नहीं करूँगी। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो। मेरा काम ये सिर्फ प्रोडक्ट की सच्चाई को आप लोगों के सामने लाना। सो ये प्रोडक्ट को मैं अपने फेस में लाइव यूज़ करके दिखाने वाली हूँ कि कोई भी इफेक्ट या डिफरेंस आप लोगों को फील होता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपने स्किन में इसको अप्लाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। अप्लाई करने का नियम है, फेस को पहले बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेना होता है, उसके बाद इसको टॉवल से ड्राई कर लेना होता है, फिर इसको अप्लाई करना होता है। मैंने ये अपने फेस में अप्लाई करने से पहले स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर ड्राई कर लिया, उसके बाद ही इसको अप्लाई किया था। सो इसको सूखने के लिए 15 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट के बाद मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। सो मेरा 15 मिनट्स हो गया है कम्प्लीट। ये जो पील ऑफ मास्क है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। आप देख सकते हो पूरा प्लास्टिक की तरह दिख रहा है। अभी मैं इसको पील करूँगी। सो आप लोग खुद बताइए कोई गोल्डन ग्लो दिख रहा है आप लोगों को या नहीं। मुझे तो कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। जो थोड़ा एक्सेस ऑयल था वो ही निकाल बाहर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सो अभी ये आपके ऊपर है, क्या आप इसको यूज़ करते हो या इसको नहीं यूज़ करते हो। मेरा काम है सिर्फ प्रोडक्ट की सच्चाई को आप लोगों के सामने लाना, जो मैं करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में भी करूँगी। सो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पे आप नए हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही चल आएगा, तब तक के लिए